वापस एक बार मैंने मंगवाया गाइस ये पीसी पार्ट्स, लेकिन भाई ये सारा का सारा पीसी मिलके बन गया है 5000 का। ये है अब तक कैबिनेट, ये है स्ट्यू का हेड जो कि हम लोगों ने एक व्लॉग के लिए बनाया था, इसको हम लोग कैबिनेट जैसा यूज करेंगे। एक्चुअली में कार्डबोर्ड बॉक्स है ये। देखो गाइस, ये है अपने पास अपना ग्राफिक कार्ड GT160, ये कीबोर्ड माउस है, ये हेडफोन्स है, फैन है, इसके अंदर मदरबोर्ड एंड सीपीयू एंड रैम, तीन चीजें है। देन ये है हार्ड ड्राइव अपनी, ये पावर सप्लाई काफी अजीब सा दिख रहा है, और एक सबसे सस्ता वाला मॉनिटर जो मुझे अमेज़न पे मिला। ये अपना मदरबोर्ड, इसके अंदर आता है सीपीयू, इसके ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ लिखा है सीपीयू है ये, और सीपीयू के ऊपर जब देखा मैंने तब लिखा है i3 सेकेंड जनरेशन 2120। केबल वगैरह चीजें दी गई है, इसकी तो कुछ जरूरत नहीं अपने को। गाइस रैम देखो, ये रैम है एक्चुअली, रुको इसको निकाल के दिखा दो क्या गंदी रैम है, DDR3 की रैम है, गेस 4GB की रैम है यार, इतनी रैम लिटरली बोलता हूँ, ते सस्ते भी इसमें भाई काफी है। मदरबोर्ड के ड्राइवर के लिए सीडी, बट अपने पास सीडी ड्राइवर तो है ही नहीं। ये मदरबोर्ड खोलते अभी, भाई मदरबोर्ड तो काफी तगड़ा दिख रहा है यार उस हिसाब से। यह है अपना सीपीयू, मोस्टली ऐसे लगना चाहिए, ओके आई थिंक सही है, ये लग गई रैम अपनी। नेक्स्ट है ये कूलर, ठीक है दिख रहा है क्या इसके ऊपर, वो हीट के लिए कंपाउंड रहता है, थर्मल पेस्ट ठीक है इस पे। भाई बॉक्स के अंदर मैंने देखा तब दिखा कि यहाँ पे हीट सिंक का थर्मल कंपाउंड है, थोड़ा ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं, स्टिल चलो। नेक्स्ट भाई पावर सप्लाई भी लगाना है इसके साथ, रंगी बेरंगी केबल देख के मुझे पुराने दिन याद आ, लगभग तो सेम है पीसी बिल्डिंग का काम। और लास्ट अभी बचा है अपने पास ग्राफिक कार्ड, ठीक है बस ये ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। इसके साथ क्या छोटू सा फैन आया भाई, क्या बढ़िया दिख रहा है ये, अभी इसको लगाते यहाँ पे, ये हो गया एक्चुअली पीसी रेडी अपना। डिस्प्ले के लिए अपने पास है मॉनिटर ये वाला, थोड़ा पुराना रिजोल्यूशन वाला है, चौकोनी एकदम, भाई ये माउंटेड टिल्ट वगैरह हो रहा है, वाओ। ये भाई कीबोर्ड है अपना, और फाइनली ये 10-20 रुपए का हेडसेट या फिर ईयर फोन ही है, कुछ भी बोलो आप इसको। कैसे अभी हम लोग पीसी को डालेंगे अपने सस्ते वाले कैबिनेट में, एंड मेरे को सच्ची आइडिया नहीं है कि इसको आग वगैरह लग सकती है या नहीं, क्योंकि गर्म होता है मदरबोर्ड इतना मुझे पता है। अच्छे से फिट हो गया इसके अंदर, भाई ये सीपीयू कम टाइम बॉम्ब लग रहा है अब दिक्कत बताता हूँ मैं कैसे, ठीक है। तो कैबिनेट नहीं अपने पास, और यहाँ पे बटन नहीं होता कोई भी चालू करने के लिए, तो अब तेको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है लिटरली। सो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ अभी आता है, काफी सारे केबल हो गए, चालू हो गया सही से, ठीक है गाइस। विंडोज 10 हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले, क्योंकि अपने को खेल के देखने इसमें गेम्स भी। दोस्तों पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है डेस्क पे, एंड इसके पीछे देख सकते हो ये मेरे भाई का पुराना पीसी है जो 5-6 लाख का होगा अभी शायद से, एंड ये मेरा वाला मेन पीसी है, ये लिटरली 10 लाख के ऊपर है। ये कैबिनेट में बक्से में जो चीज़ें वही 10 लाख की है, बाकी का तो भूल ही जाओ तुम लोग, और ये पूरा मिलके 5-6 हज़ार का लिटरली बोलो तुम लोग को, तो इस पीसी की जितनी प्राइस है उससे महंगा ये माउस है भाई, ये 15,000 का माउस है लगभग शायद। अभी देखते हैं इसको चालू होने में कितना टाइम लगता है, स्टॉपवॉच लगा दिया है, 10-15 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे। ओ भाई साहब 2-2.5 मिनट में लगभग चालू हो गया ये पीसी, एक्चुअली कमाल की बात है। और इस वाले पीसी में हम लोग देखने वाले कि GTA 5 तक चलेगा क्या लास्ट में। ओके, तो अब इशू बताता हूं मैं आपको कैसा है, ये सस्ता वाला जो कीबोर्ड है ठीक है, ये वाला इस वाले पीसी के साथ काम करता है ये कीबोर्ड सही से, बट इसके साथ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ज्यादा पुराना है इसलिए। इसका नाम बताओ क्या है पीसी का, डब्बा, क्योंकि ये है डब्बे वाला पीसी। फाइनली चालू हो गया, और दोस्तों पैसा बचत का सबसे प्राइम उदाहरण आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट विंडोज, ऑफिशियल विंडोज है नहीं, डाला ही नहीं अब तक, क्योंकि इतना पैसा। भाई फाइल एक्सप्लोर पे मैंने क्लिक किया 2-3 बार, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, हर एक क्लिक के बाद 2 मिनट रुकना पड़ता है तब जाके कुछ होता है इसमें। चल उसको उल्टा रखा है इसलिए दिमाग ने कहा चल ना भाई, लटका हुआ है इसको, हेडफोन तो लगाना भूल गया, इनको लगाते बट कहाँ पे लगाया जाए आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे 2-3 दिख रहे हैं मुझे, तो इसमें से नो वे बंद हो गया, जैसे ग्राफिक कार्ड हिल गया यहाँ हुआ। अबे 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 क्या हो रहा है इधर, अबे आवाज आ रही है इसमें, ये लगाने के लिए बहुत मेहनत की और इसमें से आवाज नहीं आ रहा है, और अब जाके गेम चालू हुआ है लगभग। ओके लैग तो नहीं दिख रहा मुझे अब तक, ठीक है कि गेम सही से चालू हो गया है, फर्स्ट मिशन ये अपना। अबे अटक गया,
अबे पूरा अटका, ये देखो फुल अटक गया है। अबे चल चल, अबे डब्बा चल, अबे डब्बा भाई चल जा, ओए डायरेक्ट अटक। अबे अब चल हो गया, अब चल हो गया। तो एक्चुअली दिक्कत क्या है पता है क्या इसकी, पूरी की पूरी दिक्कत है पूरी इसकी हार्ड ड्राइव में। जो हार्ड ड्राइव आती है ना इसकी, ये हार्ड ड्राइव है ना, ये सिर्फ 500 रुपए की है। जितने में ये पेन ड्राइव है उससे सस्ती हार्ड ड्राइव है। बगा 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 बगा, अरे फ्लैक्स की दो दे, ये पता है क्या चल रहा है भाई, ये देख। अबे ये बिग स्मोक मारने आ गया। अबे इस वाले में दिखाता हूँ गाइस कि कैसे चलता है सैन एंड्रियास, इस पे क्या स्मूथ चल रहा है यार गेम, सीरियसली क्या स्मूथ चल रहा है। आ जाओ दिखाता हूँ मैं, आ जा फट जा फट जा। फाइनली मैंने वापस विंडोज रीइंस्टॉल कर लिया। ये हार्ड ड्राइव इतनी स्लो है कि करप्ट हो गई सीधा और इसमें से विंडोज लोड नहीं हो रहा है। तो जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी मेरे पास वो लगा लिए मैंने, आई होप कि बनना पड़ जाए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाइए। तो अभी हम लोग चालू करके देखने वाले दोस्तों माइनक्राफ्ट। जी ये क्या, कौन सा गंदा स्किन है, हट इसको हटाओ। ये आ गए दोस्तों हम लोग इसके अंदर। ओ भाई साहब चल रहा है भाई, चल रहा है एक्चुअली चल रहा है गेम। मैं ना वुड तोड़ के देखता हूँ कि वुड तोड़ के कैसा फील आता है यहाँ पे। अबे बंद हो रहा है यार बीच बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको। और गाइस यहाँ पे अपने पास माइनक्राफ्ट एकदम खतरनाक ग्राफिक्स के साथ ये फूल पौधे तक रियल दिख रहा है। एक बेटा तुम लोग को दिखाता हूँ, कंपस देखो, ये कंपस है भाई माइनक्राफ्ट का। रियल एकदम, कैसा चमक रहा है देखो, कैसा चमक रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्लास का इसके ऊपर। अभी सबसे खतरनाक चीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं क्रोम इस पे एंड देखना ले कितने क्रोम टैब्स ये ओपन कर सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब यहाँ से मिडल माउस क्लिक करके के नए टैब्स खोलूंगा। 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 34 तक अटकने लग गया। 35 भाई 50 के ऊपर टैब्स ओपन है स्टिल, मतलब लैग तो है बट एक मिनट रैंडमली कोई टैब ओपन करके देखता हूँ मैं। नहीं 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 अब बहुत लैग हो रहा है, 50 तक इसकी लिमिट है शायद से, कोई टैब पे जाके देखता हूँ यार, कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा है, इतने छोटे हो गई है गाइस। एक्चुअली अभी काम करना बंद कर दिया है इसने। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भाई मैं थक गया, शायद 150 या 200 हो गए होंगे। अब रैंडमली किसी टैब पे मैं जाके देखता हूँ कि वो चल जाएगा, ठीक है रैंडमली क्लिक किया, ओ भाई लिख कर नहीं चल रहा है। ये देखो इसका ही वीडियो आ गया मेरे भाई का, ओ चल भी रहा है वीडियो, लाइक कर दो। अरे शांत बैठ बैठ, अभी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे 8K वीडियो इसकी प्ले होती है क्या। अबे यार एड बंद बंद स्किप, अबे एड ब्लॉक ही लगाना चाहिए था। अरे नहीं 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 अरे सॉरी दोस्तों, एड ब्लॉक कभी मत यूज करो, हम लोग को पैसा मिलता है ठीक है भाई। इस वाले पीसी में ना 8K का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने सेम वीडियो उधर भी प्ले करके देखी थी, सिर्फ 4K तक जा रहा, तो 4K देखते हैं प्ले होता है क्या। अबे हो रहा है 4K, एक मिनट फुल स्क्रीन देखते हैं, फुल स्क्रीन होने में थोड़ा टाइम लगा, बफरिंग प्लीज बंद मत होना पीसी, चल रहा है भाई इंटरनेट का स्पीड सही सही सा है, स्टिल भाई अटक रहा है। अबे अटक गया भाई बंदा पर वापस से स्टिल, लेकिन चल रही है भाई वीडियो 4K में चल रही है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अभी इस वाले में देखो एक्चुअली 8K का ऑप्शन है, इसको 8K करते हैं। ये देख सब कुछ दिख रहा है फिश का, ए ये कौन आ गया भाई साहब, 4K की स्क्रीन पे 8K चल रहा है, ये वाले पीसी में तो ऑब्वियसली चल जाएगा। भाई मैंने GTA का डेस्कटॉप शॉर्टकट इधर सेंड किया स्टीम से और यहाँ पे आने में इतना टाइम लग रहा है। तो भाई प्लीज GTA चालू कर ले, चालू हो जाए GTA, चालू हो जाए भाई GTA, चालू हो जाए। अबे आराम से भाई, भाई ब्लैक स्क्रीन आई, ओ भाई वो GTA के ये, अबे ये भी आ गया स्टार। दोस्तों अभी हम लोग GTA 5 चालू करने की कोशिश करने वाले, माउस यहीं पे लैग कर रहा है बट अभी देखते होता है क्या। दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि GTA लिटरली चालू हो गई है, ग्राफिक्स बकवास है एंड लैग थोड़ा सा ही है भाई, नहीं एक्चुअली है काफी सारा लैग है क्योंकि बाहर चलते। अबे बंद हो गया, आराम से भाई आराम से, प्लीज प्लीज बंद मत होना, बंद मत होना ठीक है। तो गाड़ी लेके देखता हूँ मैं, अबे यार बंद हो रहा है यार ये काफी बार, ठीक है तो गाड़ी ले ली है मैंने और बहुत घटिया ग्राफिक्स है, भाग रही है गाड़ी भाई सीरियसली, बट गाड़ी भग रही है, लैग है काफी ज्यादा है बट चालू हो गया है, चल रहा है GTA। अरे यार ये देखो क्या हो गया अचानक से खेलते खेलते,
गाइस अभी यहाँ पे मैं GTA 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे यार थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर सेम टू सेम गेम हम लोग यहाँ पे खेलेंगे तो काफी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि भाई बेचारा वो तो कितना सस्ता है। और गाइस इस वाले पे हम लोग हाईएस्ट सेटिंग पे रखेंगे, बोलते बोलते चालू भी हो गए। और साथ ही में भाई वो भाई साहब इस पे हम लोगों ने फुल ग्राफिक्स लगाए, फुल यार रिफ्लेक्शन वगैरह पानी का यहाँ पे दिखता है, रात के समय में देखो यार क्या ग्राफिक्स दिख रहा है, लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक ग्राफिक्स है इसके। एंड स्टिल बिना लैग के अभी ये चल रहा है भाई, क्या बढ़िया चीज है। ओहो स्टैंड वगैरह मारते भाई हम लोग, भाई वो गेम GTA क्या जिसमें तोड़फोड़ ना हो जाए, एक्सप्लोजन भी दिखा दिए जाए भाई सबको। तो गाइस ये था 10 लाख प्लस वाला PC, एक्चुअली टोटल कॉस्ट बाकी चीजों के मिला के पकड़े तो 12-13 लाख भी चली जाएगी। और ये था 6-7 हजार का PC, और वो भी लाइक इसमें से अगर वो डिलीवरी कॉस्ट वगैरह कट करे तो 5 हजार वाला PC था। मैं ऑनेस्टली बोलूं दोनों भी PC किसी को नहीं लेने चाहिए, जो भी लेगा वो गधा होगा। फिर तू तो गधा है। हाँ मतलब मैंने दोनों भी ले तो बड़ा गधा प्रो, इतनी मेहनत की ना, इस वाले में टाइम बहुत गया मेरा एंड इस वाले में पैसा बहुत गया, लाइक दोनों चीजों में लॉस हो गया मेरा, टाइम भी और पैसा भी बर्बाद। तो प्लीज थोड़ा प्यार दे दो मुझे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।